नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश आपका सेवानिष्ठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस से मैं डिफरेंट ज्योतिष के अनोखे सूत्र बता रहा हूं, जिनका कि प्रेडिक्शन में बहुत इस्तेमाल होता है और जिनको प्रेडिक्शन में आप बहुत सिंपल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत लॉजिकल हैं। और जो भी सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, वो सारे सूत्र शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई सूत्र ऐसा नहीं है जो वैसे ही बाज़ार में कोई किताब पढ़ के या किसी से पूछ के या अपने आप से मैं डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है, हम डेवलप ही नहीं कर सकते कोई सूत्र। ऋषि मुनियों ने इतना काम किया है इस पर हजारों वर्ष, तो हर चीज़ उन्होंने कवर कर ली है। अब हम लोग उस इतने कैपेबल नहीं हैं कि उनकी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। कलयुग में तो कम से कम इतने कैपेबल हम लोग नहीं हैं कि उनकी चीज़ों को हम आगे ले जा सकें। तो जो शास्त्रों में है उससे हमारी सब बातों का जवाब मिलता है। अगर हमने वही कर लिया तो ज्योतिष का फलादेश करने में, किसी भी कुंडली का फलादेश करने में आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं हो सकती, अगर आप शास्त्रों में लिखी बातों को ही पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। सब चीज़ वहाँ से मिलती है और कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जवाब वहाँ पर ना अवेलेबल हो। आप ये मत सोचिए कि इस चीज़ का जवाब शास्त्र में अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी चीज़ लाइए, मैं आपको बताऊंगा शास्त्र में कहाँ पर इस चीज़ का अवेलेबल है, अगर वो शास्त्र वर्णित है तो। अगर किसी राइटर ने अपने आप से लिख दिया है ऐसी कोई किताब आपने पढ़ ली है तो उसकी मैं तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो भी सिद्धांत हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो सब शास्त्र वर्णित है। आज मैं आपको थोड़े से सिद्धांत कुछ और बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला सिद्धांत देखिए ये वाला है कि आप जानते हैं कि लगन से, अगर ये लग्न आपका है, लगन से अगर कोई लगन का मालिक अपने से छठे भाव में जाए, यानी ये मंगल है, मंगल यहाँ बैठे, आठवें भाव में जाए, या मंगल बारहवें भाव में जाए, यानी मंगल यहाँ बैठे, मंगल यहाँ बैठे, या मंगल यहाँ बैठे, अगर किसी भाव का स्वामी अपने से छठे आठवें बारहवें भाव में जाए तो उस भाव की हानि कहनी चाहिए। यानी लगन का स्वामी अगर अपने से छः में गया, आठ में गया, बारहवें में गया, तो उसका मतलब स्वास्थ्य की हानि है, स्वास्थ्य की हानि होगी, नाम कम होगा, डिफेम होने के चांसेस होते हैं, प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान आपको देने वाली चीज़ें उसमें ध्यान होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगन से, जो भी भाव से लगन का स्वामी अगर अपने भाव से छठे आठवें बारहवें में जाता है तो लगन की हानि होती है। तो जो चीज़ आपने लगन के ऊपर लगाई वही प्रिंसिपल आप दूसरे भावेशों पे लगाइए। हमने कहा लग्नेश, लग्नेश छः आठ बारे में गया तो लगन की हानि। इसी प्रकार किसी भी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अपने से छठे आठवें बारे में गया तो उस भाव की हानि, सिंपल बोल सकते हैं। तो जब लग्नेश के लिए जो चीज़ प्रिंसिपल वैलिड है वो हर भाव के लिए है। अब धन भाव का स्वामी, सपोज कीजिए धन भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी अपने से छठे में गया, एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ चला गया, तो धन की हानि बोलेंगे। अपने से आठवें में गया तो वहाँ की हानि बोलेंगे, अपने से बारहवें में गया तो धन की हानि बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी भाव का स्वामी अगर अपने से छठे आठवें बारहवें जाता है तो उस भाव की हानि होती है। ये सिंपल प्रिंसिपल है और इसमें लॉजिक की जरूरत नहीं है, लॉजिक चूँकि है ही, ये सब जानते हैं कि लग्नेश अगर अपने भाव से छठे आठवें बारहवें में जाए तो उसकी हानि होती है। देखिए, साइंस हो कोई भी चीज़ हो, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे न्यूटन का नियम है, न्यूटन का नियम डिफाइंड है कि पहला नियम न्यूटन का ये है, सेकंड नियम न्यूटन का ये है, थर्ड नियम न्यूटन का ये है, फिर उन चीज़ों को आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स के अंदर या डिफरेंट जगह पे किसी भी एक्टिविटी के अंदर उन नियमों को आप अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष के अंदर भी कुछ ऐसे नियम हैं जो विवाद निर्विवाद रूप से सत्य हैं, जिनका बनाया हुआ है ऋषियों ने देख के कि लगन का स्वामी अगर छठे आठवें बारहवें भाव में जाए लग्नेश तो लगन की हानि होती है। तो वो बाकी चीज़ें उन्होंने बाकी लोगों के ऊपर छोड़ी हैं अपने विवेक से, कि आपको देखना है कि जब लगन का स्वामी अपने छठे आठवें बारहवें जाता है लगन की हानि होती है, तो किसी भी भाव का स्वामी अपने छठे आठवें बारहवें में जाए तो उस भाव की हानि कहनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखिए कि लगन से प्रिंसिपल है कि लगन से अगर तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में, जैसा कि आपको मालूम है कि तीसरा छठा ग्यारहवां ये भाव अशुभ भाव कहलाते हैं, त्रिष्टाय भाव बोलते हैं उसको, तो अशुभ भावों में हमेशा अशुभ ग्रह ठीक माने जाते हैं। इसके अंदर बहुत मतभेद है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा छठा ग्यारहवां भाव, चूंकि ये बुराइयों के भाव हैं, ये अशुभ भाव कहलाते हैं, अशुभ भाव कहलाते हैं, तो जो अशुभ भाव होते हैं उनमें पाप ग्रह अगर बैठे हों तो उन्हें क्या होता है, जैसे देखिए पाप ग्रह जो होते हैं उन्हें क्या चीज़ है,
जो आदमी पापी होगा उसे क्या पसंद है? उसको बार पसंद होगा, उसको क्लब पसंद होगा, उसको जुए का अड्डा पसंद होगा, उसको जहाँ शराब मिलती है वो जगह पसंद होगी, तो उसको वही पसंद होगा ना, और वहाँ उसकी हिम्मत बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पापी आदमी है। और एक सिंपल आदमी को, बहुत शुभ आदमी को आप भेज दो, बार के अंदर भेज दो, क्लब में भेज दो, तो वो बेचारा शर्मा के घूमता रहेगा, कहीं कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यही चीज़ होती है कि जब अशुभ भाव होते हैं उनमें अगर अशुभ ग्रह चले जाएं तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, और वो आपको मतलब वहाँ जाके स्ट्रांग रहते हैं, तो उन भावों की समस्याओं से आपको लड़ने की शक्ति देते हैं। इतना फर्क है। तो किस अशुभ भावों में, अशुभ ग्रहों के जाने से आपको वहाँ की अशुभता से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज अशुभ ग्रह किसी भाव में जाएगा तो इट डजंट मीन्स कि वहाँ पर उसकी शुभता बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे उसकी अशुभताओं से लड़ने की आपको शक्ति मिल जाएगी। ये इसलिए हम कहते हैं कि तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हों तो वो लगन के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो सारी कुंडली तो लगन के ऊपर बेस्ड है, हर कुंडली तो लगन के ऊपर बेस्ड है, तो लगन के लिए वो इसलिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वहाँ से उनसे लड़ने की शक्ति आपको मिल जाती है। इसी प्रकार से मैंने कहा जो चीज़ लगन से आप एप्लीकेबल करते हैं उसको सभी भावों से, सभी चीज़ों से एप्लीकेबल कीजिए, सर भाव से एप्लीकेबल कीजिए। इसी प्रकार से किसी भी भाव से, जैसे दूसरा भाव आपका है सपोज़ कीजिए, दूसरे भाव से भी तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में, तीसरा कौन सा हुआ, एक दो तीन, अशुभ ग्रह बैठा हो, मंगल बैठा हो, छठे चार पाँच छः शनि बैठा हो, ग्यारहवें भाव में सात आठ नौ दस ग्यारह यहाँ राहु बैठा हो, तो हम कहेंगे कि दूसरे भाव के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि दूसरे भाव के जो अशुभ भाव हैं तीन छः ग्यारह, देखिए किसी भाव का जब रिजल्ट आपने देखना होता है, किसी भाव का रिजल्ट देखने का तरीका ये है, जैसे कि आपने लगन का रिजल्ट देखना है तो लगन से आपने सारे भाव देखे, इसी प्रकार किसी भी भाव का रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस भाव को लगन बना लीजिए। अगर आपने धन के बारे में विचार करना है तो धन के भाव को लगन बना लीजिए, दो धन है यहाँ, लगन बना लीजिए इसको, तो उससे आपको धन का मालूम चलेगा सारा, कि धन में वृद्धि होगी नहीं होगी, क्या होगा, धन से भाई खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, सब चीज़ें उसके अंदर दिखाई पड़ जाएंगी आपको। तो जब हम लगन से कोई विचार कर रहे हैं तो इसी प्रकार हर चीज़ से विचार कर रहे हैं। तो आपका ये चीज़ क्लियर आपको हुआ होगा कि तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में किसी भाव से अगर अशुभ ग्रह बैठे हों या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उस भाव की वृद्धि समझनी चाहिए। तीसरा नियम आपका जो इसमें होता है, देखिए एक सबसे बढ़िया नियम होता है इसमें, केंद्र और त्रिकोण, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। केंद्र क्या होता है? केंद्र को हमेशा शुभ कहा जाता है और त्रिकोण को हमेशा योगकारी कहा जाता है। ये त्रिकोण का स्थान हमेशा लक्ष्मी विष्णु का स्थान कहलाया जाता है, त्रिकोण का स्थान ये बहुत योगकारी स्थान होता है। त्रिकोण में किसी भी ग्रह का बैठना या त्रिकोण का कोई भी ग्रह का स्वामी होना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो केंद्र शुभ होता है, त्रिकोण योगकारी होता है। तो केंद्र कौन सा होता है? पहला चौथा सातवां और दसवां भाव, पहला चौथा सातवां और दसवां भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। त्रिकोण कौन सा कहलाता है? पाँच नौ, एक पाँच नौ बोल देते हैं लोग उनको, आप ऐसे समझ लीजिए एक पाँच नौ त्रिकोण कहलाता है। लेकिन एक भाव चूँकि दोनों में कॉमन है इसको हमेशा केंद्र के लिए ही काउंट करते हैं। जब केंद्र की बात चलती है तो हम लगन में बैठे ग्रह को बोलते हैं केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह नहीं बोलते उसको, उसको उसी के अंदर मानना चाहिए कि तो केंद्र में बैठा हुआ ग्रह है। तो लगन का रिजल्ट कब अच्छा होता है? देखिए लग्नेश इस भाव के रिजल्ट आपको कब अच्छे मिलेंगे? अगर इससे केंद्र में सारे, यानी इस केंद्र में, इस केंद्र में, इस केंद्र में, यहाँ पे और यहाँ पे त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, सारे में शुभ ग्रह तो नहीं आ सकते क्योंकि शुभ ग्रह तो दो तीन तो शुभ ही रहे हैं, खाली गुरु शुक्र है, चंद्रमा भी कंडीशनली शुभ होता है और बुध भी कंडीशनली शुभ होता है, तो लेकिन इनका प्रभाव हो, यानी कोई शुभ ग्रह दो भावों को देख रहा है, गुरु जैसे पांचवी या सातवीं नवी दृष्टि से किसी तीन भावों को देख रहा है या दो भावों को देख रहा है, तो कहने का संबंध ये मतलब ये है कि यदि किसी भी भाव लगन से केंद्र में एक चार सात दस में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और पाँच नौ के अंदर त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो लगन की वृद्धि होती है, यानी आदमी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, आदमी जो काम स्टार्ट करता है उसमें सफलता मिलती है, उसका नाम होता है, उसकी फेम होती है।
इसी प्रकार से जो चीज़ हमने लगन से लगाई वो दूसरे भावों से भी लगाइए। अगर आपको धन भाव का दिखना हो कि धन भाव की वृद्धि आपकी हो रही है या क्या हो रही है, तो एक सिंपल प्रिंसिपल हो गया कि आप धन भाव का केंद्र देखिए, धन भाव का त्रिकोण देखिए। अब लगन का केंद्र तो मैंने बता दिया आपको 1, 4, 7, 10 है, पीछे वीडियो में बता चुका हूँ मैं ये वाला। लगन का त्रिकोण 1, 5, 9 है, तो इसका केंद्र क्या हुआ धन भाव का? सिंपल सी बात है, धन भाव का केंद्र हुआ 2, 4 का 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 11 हो गया, तो 2, 5, 8, 11 धन का केंद्र हुआ, और 6, 10 ये धन का त्रिकोण हुआ। तो धन का केंद्र, धन का त्रिकोण, इसका मतलब ये है कि धन भाव से दूसरा, पांचवां, आठवां, ग्यारहवां और छठा और दसवां भाव आप चेक करिए, अगर इन भावों पे शुभ ग्रह हैं या शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि धन की वृद्धि आपकी होनी है। अगर कुछ भाव में अशुभ बैठे हैं, कुछ में शुभ बैठे हैं, तो ये तारतम्य से देखिए कि कहाँ ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव है या ज़्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। ऐसा हो सकता है कि उस तक किसी भाव में ग्रह बैठे ही ना हो, तो कुछ भाव में ग्रह बैठे हों तो किसी में शुभ बैठे हों, किसी में अशुभ बैठे हों, तो वो चेक कर लीजिए खाली इसको कि बराबर हैं, बराबर संख्या में शुभ हैं, बराबर संख्या में अशुभ हैं, या दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये शुभ ज़्यादा हैं अशुभ कम है, तो जो ज़्यादा होगा उसका पलड़ा भारी होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली होती है, तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रिंसिपल्स वगैरह सब समझ में आ रहे होंगे, तो ये प्रिंसिपल्स आप लगाइए, जो चीज़ आप लगन से लगाते हैं उसको डिफरेंट भावों पे लगाइए, डिफरेंट भावेशों से लगाइए, तब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे हमने कहा कि लगन का स्वामी लग्नेश अगर 6, 8, 12 भाव में जाए तो लगन की हानि होती है, तो इसी प्रकार से किसी भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाए तो उस भाव की हानि होती है। सिंपल प्रिंसिपल है, दूसरे भाव का स्वामी लगन से छठे गया तो भी हानि मानी जाएगी, और दूसरे भाव का स्वामी दूसरे से छठे गया तो भी हानि मानी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ लगन से लिए एप्लीकेबल है वही हर भाव के लिए एप्लीकेबल है। शास्त्रकारों ने आपको लगन से बताया, आपको बाकी चीज़ अपने विवेक से लगानी है। जब उन्होंने लगन से कहा कि किसी भी भाव का स्वामी लगन से 6, 8, 12 गया हो तो लगन की हानि माननी चाहिए, तो इसी प्रकार हर भाव के लिए लगाइए उसको आप, कि हर भाव का स्वामी अगर अपने से 6, 8, 12 गया हो तो उस भाव की हानि माननी चाहिए। ये सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताऊँगा। आपको अच्छे लगे तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं नई नई वीडियो आपके लिए डालता रहूँ। जय श्री कृष्ण।